welcome back to Saab Technical Engineering Drawing Channel. Today our topic is single stroke vertical numbers, जो हिंदी में कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर अक्षर होते हैं उनको ड्रा करके दिखाऊंगी यहाँ पे. तो वर्टिकल नंबर्स ड्रा करेंगे यहाँ पे, जो गिनती होते हैं नंबर्स होते हैं 1 to 10. यहाँ पर इसको 10 mm की हाइट में बनाएंगे. तो इसके लिए एक लाइन इसे ड्रा कर लेंगे और इधर की तरफ 1 cm यानी 10 mm की पॉइंट लगा के यहाँ से भी लाइन ड्रा कर लेंगे. यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पहले जो लाइंस बनाएंगे उनको पहले लाइट बनाएंगे, फिर उसके बाद डार्क बनाएंगे, क्योंकि शुरू में ही डार्क बनाने से लाइन जो पेंसिल का कलर है वो मिक्स हो जाता है और सारी शीट ब्लैक हो जाती है. इसलिए शुरू में लाइट नंबर्स बना लेंगे, फिर लास्ट में डार्क कर देंगे. नंबर्स को बनाने के लिए यहाँ पे 10 mm का पार्ट्स कर देंगे. हाइट भी 10 लिया है और इधर भी 10 mm का पार्ट्स बना देंगे. इधर 10 10 टिक कर देंगे. 10 10 यानी 1 cm का पार्ट्स बना देंगे. इसमें इस तरीके से बन जाएंगे. अब 1 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से, और 1 नंबर के बीच में 0.2 का गैप दे देंगे. इसका हाफ कर लेंगे, लगभग ये हो जाएगा. इस तरीके से इसको बना देंगे. यहाँ पर इनको जो साइड से हैं इनको इरेज कर देंगे इस तरीके से, और इधर बीच में बस यहाँ पे 1 ये रहेगा. अब इसके बाद 2 बनाएंगे. 2 बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस जो 0.10 mm पे टिक किया था वहाँ से ऐसे कर लेंगे. इसके बाद यहाँ पे 2 बनाएंगे. 2 बनाने के लिए यहाँ से कर्व दे देंगे इसको, यहाँ से कर्व दे देंगे, ठीक है. और ये बेस लाइन तो ऑलरेडी बनी है, इसको ऐसे डॉटेड लाइन ले जाना है और ऐसे कुछ इस तरीके से बनाना है. ये बन गया 2. यहाँ से ऐसे करके कर्व लाइन ले जानी है. अब इसको इरेज कर देंगे ऊपर से. यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से कर यहाँ से कुछ इस तरीके से ले जाना है. और नीचे ये लाइन ऑलरेडी बनी हुई है. इस तरीके से 2 बन जाएगा, ठीक है. और जो यहाँ डॉटेड लाइन है कुछ इस तरीके से ले गए हैं इसको. और अब इसके बाद 3 बनाएंगे. 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 के लिए फिर दोबारा सेम उसी तरीके से लाइन बनाएंगे. इसमें भी 0.2 का गैप दे देंगे. अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि 0.2 का गैप इधर भी देना पड़ेगा और इधर भी 0.2 का गैप दे देते हैं, 0.2 mm का. और इसको 3 बनाएंगे. यहाँ पे 3 बनाने के लिए पहले इसका हाफ कर लेंगे इस लाइन का इस तरीके से, और ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी और ऐसी जाएगी. तो यहाँ पे कोई भी छोटी स्केल लेके कुछ इस तरीके से बना देंगे इसको. अब यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, कर्व जाएगा, यहाँ से भी कर्व जाएगा और यहाँ से भी कर्व जाएगा. बाकी जो बचेंगे उन्हें इरेज कर देंगे. थ्री के बाद यहाँ पे अब 4 बनाएंगे. तो इस तरीके से ये लाइन बनी थी और यहाँ पे ये लाइन ऐसे बन जाएगी.
फॉर्म बनाने के लिए। फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे इसका हाफ कर लेंगे और ऐसे इसको मिला देंगे यहाँ से, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देंगे। ये यहाँ पर आगे तक जाएगा फॉर्म में थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद फाइव बनाएंगे। फाइव यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कोई रेशियो नहीं दिया है, तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जा रहा है। अगर रेशियो दे रहा है जैसे कि 3:4, तो ये जो 3 है वो वट एच है, और ये 4 है वो वी है, यानी वर्टिकल है। तो एच और वी मतलब कि ये वाली जो दूरी लेनी है वो 3 लेनी है, और ये वाली दूरी 4 लेनी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 10:10 लिए हैं। 10 का मतलब कि ये वाला भी डिस्टेंस 10, और इधर वाला भी डिस्टेंस 10, और इधर वाला भी डिस्टेंस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों 10:10 mm का लिए हैं। इसके बाद फाइव बनाएंगे। फाइव बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस, ऊपर वर्टिकल रहेगा इस तरीके से, और नीचे यहाँ से हाफ पे टिक कर देते हैं, ऐसे हाफ कर देते हैं, इससे एक लाइन बना देते हैं। अब क्या करेंगे कि नीचे से इसको कुछ इस यहाँ से कर्व दे देंगे, यहाँ से कर्व दे देंगे, और यहाँ से कर्व दे देंगे, कुछ इस तरीके से फाइव बनेगा। और इधर की जो बची हुई चीज़ें हैं उन्हें रेज कर देंगे कुछ इस तरीके से। फाइव बनाने के लिए यहाँ पर हाफ पे टिक कर लेंगे और कुछ इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, तो ये फाइव बनेगा, ये कुछ इस तरीके से फाइव बन जाएगा। अब सिक्स बनाएंगे। सिक्स बनाने के लिए सेम वैसे ही यहाँ पे 0.10 का स्पेस ले लेंगे ऐसे, और इसमें गैप दे देंगे 0.2 का, लगभग 0.2 का, और सिक्स बनाएंगे यहाँ पे। तो सिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, सिक्स बनाने के लिए यहाँ से कर्व दे देंगे, यहाँ से कर्व दे देंगे, और यहाँ से कर्व दे देंगे, यहाँ से कर्व दे देंगे, और इसको कुछ इस तरीके से बना देंगे। बाकी जो बचेगा उन्हें इरेज कर देंगे। सभी कॉर्नर से तो इस तरीके से सिक्स बनेगा। इसमें जो सिक्स का राउंड है थोड़ा बड़ा होता है इस तरीके से, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा लाइन, और ये इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ से कर्व है। अब क्या करेंगे, सेवन बनाएंगे। अब डार्क करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा बन जाएगा। सेवन के लिए सेम वही प्रोसेस, ये यहाँ से एक लाइन है और 0.10 का गैप देंगे, 10 mm का गैप देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से एक लाइन तो बनी हुई है, इसको ऐसे मिला देना है। ये बन गया सेवन। अब एट बनाना है। एट बनाने के लिए फिर उसी तरीके से 10 mm का डिस्टेंस ले लेंगे, और इस तरीके से गैप दे देंगे, और इसको हाफ कर देंगे, यहाँ टिक करके इस तरीके से हाफ कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे कि 10 में थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन बड़ा होता है, तो ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे,
इस तरीके से। डॉटेड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से 8 बन गया। ऊपर वाला थोड़ा छोटा होता है पोर्शन 8 में, इसको लास्ट में डार्क करेंगे तो ये अच्छे से बन जाएंगे। अभी लाइट बना रहे हैं इनको। अब इसके बाद 9 बनाएंगे। 9 बनाने के लिए सेम उसी तरीके से एक 10 mm तक लाइन ले लेंगे। इस तरीके से 0.2 का गैप दे देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से हाफ कर लेंगे और यहाँ से ऐसे ऐसे कर्व दे देंगे। यहाँ से भी कर्व दे देंगे, यहाँ से भी कर्व दे देंगे और यहाँ से कर्व देते देते कुछ इस तरीके से 9 बन जाएगा। कुछ इस तरीके से ये कुछ अंदर की तरफ होता है। उसके बाद 10 बनाएंगे। 10 क्या 0 बना देंगे। 1 तो इसी तरीके से बनाएगा तो 0 बनाने के लिए यहाँ से फिर गैप ले लेंगे 10 mm की। ऐसे एक लाइन बन जाएगी, दोबारा एक लाइन बन जाएगी। अब चारों साइड से होल साइड से कर्व देना है कुछ इस तरीके से। ये बन गया 0। इन सब बाकी जो बची हुई लाइन है उन्हें रेज कर देना है। ये ध्यान देना है थोड़ा साइड साइड में ड्राइंग बनाने में ये ब्लैक हो जाती है सीट। यहाँ पर नंबर्स के अलावा जो बची हुई लाइन थी उन्हें हमने इरेज कर दिया है। अब लाइन को डार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। वेव 1 बन गया इस तरीके से। 2 बनाने के लिए पहले कर्व दे देंगे यहाँ पे और ऊपर की तरफ इस तरीके से स्केल से ही डार्क करना है। ये नहीं कि हैंड का यूज करें, कुछ इस तरीके का है ये। अब इसको नीचे भी लाइन ड्रा करनी है। और इसके बाद 3 बनाएंगे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद 4 बनाएंगे। सिक्स
सिक्स बनेगा इसी तरीके से। सेवन यहाँ पे एट बन गया ये नाइन। जीरो इस तरीके से सारे वर्ड्स बन जाएंगे। अब इसके बाद तो इस तरीके से सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल नंबर्स बन जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन नंबर्स बताऊंगी जो तिरछे बनते हैं। यहाँ पर सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन नंबर्स बनाएंगे। ये जो नंबर्स हैं ये आते कहाँ हैं? ये आते हैं जब आप वर्ड्स लिखते हैं या कोई भी सेंटेंस रहता है उसके बीच में कई सारे अक्षर आ जाते हैं। तो इसको ड्रा करना बताऊंगी। इसके लिए दोबारा से 10 mm की लाइन बना लेंगे गैप की, यहाँ से कुछ इस तरीके से और यहाँ से कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से लाइन बन जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 mm का उसी की तरीके से गैप देंगे। तो पहले 10 mm का गैप देने से पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि 75 degree का एंगल बनाएंगे इंक्लाइन बनाने के लिए। 75 degree का एंगल बनाने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे एक ऐसे रख के 80 to 70 के बीच में, यहाँ पर दिख रहा होगा 80 to 70 के बीच में, 80 to 70 के बीच में टिक कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अपने ड्राफ्टर को कुछ ऐसे ओपन करके और इस तरीके से इस पे सेट करके इस पॉइंट पे, इस लाइन पे इस तरीके से क्लैंप कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्लैंप कर दिया है यहाँ से, अब ये फिक्स हो गया है इसी पॉइंट पे। अब करना क्या है कि यहाँ पर इसी के पैरेलल लाइन बनाएंगे कुछ इस तरीके से और जिस जिसकी डिस्टेंस होगी लगभग 10 mm, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं कि 10 mm है कि नहीं। तो यहाँ पे लगभग 10 mm के करीब है
और 0.2 के लगभग यहाँ पे गैप दे देंगे, कुछ इस तरीके से। और इसका हाफ मान लीजिए यहाँ पे है, तो एक लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ पे, ये 1 हो गया। इस तरीके से इरेज कर देंगे इनको, और इसी लाइन से दूसरी वाली लाइन बनेगी। वन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, तो थोड़ा कम स्पेस में बनाएंगे इसको। अब इस यहाँ से दोबारा 10 mm की लाइन ले लेंगे, कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, 2 बनाएंगे। 2 के लिए यहाँ से दोबारा हाफ कर लेंगे, और कुछ इस तरीके से इसको मैच करना पड़ेगा पहले इस लाइन पे, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ इस पॉइंट से एक हाफ कर देंगे, कुछ इस तरीके से टिक कर देंगे यहाँ भी, यहाँ भी। अब क्या करना है, यहाँ से कर्व दे देना है, यहाँ से भी कर्व देना है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाना है एस की शेप में, और यहाँ से डार्क कर देना है। ये 2 बन गया। अब 3 बनाने के लिए अगेन यहाँ पे गैप देना पड़ेगा थोड़ा, और ऐसे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे दोबारा 10 mm की लाइन बना लेंगे पॉइंट देके। यहाँ पर गैप दे देते हैं थोड़ा। अब 3 के लिए भी यहाँ पे लगभग हाफ कर लेंगे, इस तरीके से। तो 3 में ये वाला पॉइंट मैच होता है, फिर ये वाला ऐसे कुछ इस तरीके से होता है, फिर यहाँ से क्या होता है, कर्व होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से होता है। बाकी जो ये आगे की लाइंस हैं उन्हें इरेज कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 4 बनाएंगे। 4 के लिए भी दोबारा इसी तरीके से मैच कर लेंगे, और यहाँ पे दोबारा 10 mm की पॉइंट लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और 0.2 के करीब अंदर की तरफ गैप दे देंगे। और 4 के लिए थोड़ा सा और गैप दे देते हैं, क्योंकि 4 थोड़ा आगे जाता है, इसका इधर वाला साइड कुछ इस तरीके से बनता है, तो इसका हाफ कर लेते हैं लगभग, ये ऐसे करके यहाँ पे क्लैंप कर लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन को मिलाना है कुछ इस तरीके से, और इसको आगे तक बढ़ाना है 4 को कुछ इस तरीके से। बाकी ये जो आगे पीछे की लाइन से उन्हें रेज कर देना है। ये 75 के डिग्री पे है, इस तरीके से 4 बन जाएगा। 5 बनाएंगे। 5 बनाने के लिए दोबारा यहाँ से 10 mm का गैप देना है, और इस तरीके से इसको पहले मैच कर लेना है, और दोबारा यहाँ पे लाइन बना के 0.2 के करीब गैप देके, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को तो मिलाना ही है। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से होगा,
डॉटेड करके इसको बनाएंगे, क्योंकि वैसे बनाने में ये अच्छा बन नहीं पाता है, पहले डॉटेड करके बना लेंगे फाइव को। कुछ इस तरीके से बन गया फाइव। अब सिक्स बनाएंगे, सिक्स के लिए फिर दोबारा इसी पॉइंट पे रख के इसको ऐसे फिक्स कर लेंगे, और अब इसके बाद पॉइंट टेन का गैप देंगे यहाँ पे। सिक्स के लिए भी, सिक्स के लिए बिल्कुल इसका हाफ कर लेंगे ऐसे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से कर्व बनाना है, यहाँ से कर्व बनाना है, और यहाँ से कर्व बनाना है, यहाँ से कुछ इस तरीके से बनेगा ये। सिक्स के बाद सेवन बनाएंगे, सेवन बनाने के लिए फिर दोबारा टेन एमएम का गैप देंगे इस तरीके से। सेवन के लिए ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से ऑलरेडी मिला देंगे, और इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन से मिला देंगे, कुछ इस तरीके से सेवन बन जाएगा। अब एट बनाने के लिए, एट बनाने के लिए दोबारा इधर पॉइंट टेन एमएम का गैप दे देंगे, टेन से टेन एमएम का गैप दे देंगे, और इधर एट के लिए ऊपर ज़्यादा जो ब्लॉक होता है थोड़ा छोटा होता है, तो थोड़ा छोटा इस तरीके से बना देंगे इसका, इसको कुछ इस तरीके से बना देंगे, और इधर वाला पोर्शन कुछ नीचे बड़ा होता है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बाकी जो बचेंगे वो इरेज हो जाएंगे। नाइन के लिए सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये क्लैंप कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे भी दोबारा उसी तरीके से टेन एमएम का गैप दे देंगे कुछ यहाँ तक लगभग, और दोबारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा अंदर की तरफ पॉइंट टेन की गैप दे देते हैं, और इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका हाफ कर लेते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं हाफ करके, यहाँ से कर्व दे देंगे, यहाँ से कर्व दे देंगे, यहाँ से कर्व दे देंगे, और यहाँ से कर्व दे देंगे। जब इसको इरेज करेंगे यहाँ से, इधर से, इधर से, इधर से, अब इनको डार्क कुछ ऐसे करेंगे।
ये कुछ इस तरीके से 9 बन गया। अब 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए या 0 भी कर सकते हैं, 0.10 के करीब, 10 mm के करीब, सॉरी यहाँ पे 10 mm होगा। यहाँ पे ऐसे कर्व दे देंगे, यहाँ पे कर्व दे देंगे, यहाँ पे कर्व दे देंगे, यहाँ पे कर्व दे देंगे, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ साइड से इरेज कर देंगे इनको, बाकी जो बची लाइन है उनको भी इरेज कर देंगे। अब इनको डार्क कर देंगे, डार्क पहले की तरह करेंगे, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो डार्क करने के लिए, डार्क करने के लिए पहले की तरह स्केल ही यूज करेंगे, कुछ इस तरीके से। टू बन जाएगा। तो यहाँ पे डार्क करने के बाद कुछ इस तरीके से नंबर्स दिखेंगे। तो जब भी इसे लेक्चर को देखें, साथ में प्रैक्टिस भी करें, कम से कम 3 से 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें, तभी एग्ज़ाम में बना पाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।